अधिकारी से लेके गांव के जनप्रतिनिधि तक लूट मचा कर बहुत लोग लूटा है, हम किसी को लूटे। बिहार में बीजेपी है वो अपराधीकरण हो चुका है। सिवान की राजनीति में इन दिनों रघुनाथपुर विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। एक से बढ़कर एक नेता इस सीट को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसे में एक नया नाम सामने आया है, सूर्यांश निस्वार समाज सेवा समिति के अध्यक्ष आशुतोष भारद्वाज उर्फ सनी बाबा का, जो अपने समाज सेवी छवि से काफी चर्चा में है। पेशे से सिविल इंजीनियर और बड्रम पंचायत के निवासी सनी बाबा नौकरी छोड़कर गांव में ही रहते हैं और जनता दरबार लगाकर लोगों की मदद करते हैं। अपने समाज में बदलाव के लिए, अपने बिहार में बदलाव हो और हर विधानसभा से जो नया युवा आए और समाज के बदलाव के लिए अपने लक्ष्य को और अपने समाज के हित के लिए काम करने के लिए कार्य करें। क्या किस उद्देश्य से आप अपने क्षेत्र में जाइएगा, जनता के बीच जाइएगा? देखिए, हमें बदलाव चाहिए। अब जनता पे डिपेंड करता है, जनता बदलाव चाहती कि नहीं चाहती। आज ये जो विधानसभा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा से हर पार्टी के कैंडिडेट आ चुके हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो। जितने कैंडिडेट की पार्टियाँ जो जब जीत के उस सीट पे आई, जनता से उन्होंने वादा किया, उन्होंने इतना वादा का पुलिंदा बांध दिया। उम्मीद था कि जनता की बदलाव, जनता की उम्मीद थी कि अब कोई आएगा तो बेहतर समाज में विकास होगा और हमारे सुख दुख में जनता के वो जो जनप्रतिनिधि विधायक बन के जाएंगे वो काम आएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। और जो भी जनप्रतिनिधियाँ एक बार आरजेडी सत्ता में आई, उन्होंने 15 साल लूट मचा दिया, लोगों के उनसे उम्मीद उठ गया। फिर उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी आए, फिर उसके बाद उनके भी सत्ता में आज देखिए बहुत हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बहुत दयनीय है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी के, माननीय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के टाइम पे जो हमारा सूता मिल, चीनी मिल था, वो बंद हो चुका और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उसको नीलाम कर दिया गया। उद्योग के नाम पे हमारे पास कुछ उद्योग नहीं है। जनता आपको क्यों चुने? आपसे दिग्गज नेता वहाँ पे अपने दावेदारी ठोक चुके हैं। भाई, हमको दिग्गज नहीं बनना है, हमको बेटा बनना है, हमें सेवा करना है। और मेरा मकसद है लोगों के पास पहुँचना, लोगों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहना। आज माननीय नीतीश कुमार के जितने भी योजनाएं हैं उसमें लूट मची हुई है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए उनके नाक नीचे भ्रष्टाचार मचा हुआ है? तो उनकी जिम्मेवारी बनती है इस पर सख्त सख्त कानून बनाए और लोगों के जो अधिकार है उससे वंचित है। आप देखिए, सिर्फ हमारे पंचायत की समस्या होती समझ में आती, अभी तक रघुनाथपुर विधानसभा और हुसैनगंज प्रखंड के और रघुनाथपुर प्रखंड के और हसनपुरा प्रखंड में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में, गिने चुने पंचायत में विकास हुआ है। लोग तराई तराई हैं, सरकार के तरफ से शौचालय योजना आया। आज आप जाइए दलित बस्ती में, चलिए पदयात्रा के माध्यम से, देखिए उनके पास शौचालय नहीं है। फिर आप जाइए, उनके पास इंदिरा आवास नहीं है। शौचालय के निर्माण के लिए 2000 रुपया कमीशन खोरी हो रहा है और इंदिरा आवास के निर्माण के 20,000 रुपया का घुसखोरी हो रहा है। फिर पेंशन के लिए 500 रुपया का घूस है। राशन कार्ड बनवाने में 200 रुपया लग रहा है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में भी पैसा लग रहा है। हमारे अधिकारी से लेके गांव के जनप्रतिनिधि तक लूट मचा के रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब वो कहते हैं 0% ट्रोल, मतलब 0% कहीं भी घुसखोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें लूट मचा है। आप किसी जनता के पास जाए, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है, आपने देखा होगा न्यूज मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कोई भी जितनी भी सरकारी योजना है वो सबसे वंचित है। क्यों? जो भी जनप्रतिनिधि आता है सिर्फ वादा करता है, समाज को ठगने का काम करता है और आज भी दलित और वंचित लोग पीछे हैं। सरकार का योजना था कि जो दलित का आरक्षण हो जाएगा तो दलित आएगा, दलित का दुख को समझेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण वही लोग कर रहे हैं। आज हमारे दलित बस्ती में आप चलिए, पूरा रघुनाथपुर विधानसभा भ्रमण कराते हैं पदयात्रा के माध्यम से, क्या आप देखिए किसी दलित के पास शौचालय तक नहीं है, घर तक नहीं। घर किसको मिला जो चमचई कर रहा है, दलाली कर रहा है? शौचालय किसको मिला जिसके घर में पहले शौचालय है? मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा, रघुनाथपुर विधानसभा से क्षेत्र से अगर जनता जनार्दन अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, पहले बहुत लोग लूटा है, हम किसी को लूटने नहीं देंगे। पहला मुद्दा मेरा रहेगा, पूरे रघुनाथपुर विधानसभा में जितनी पंचायतें हैं टोटल पंचायत में शौचालय का निर्माण कराऊंगा, 5 महिला का और 5 पुरुष का। दूसरी बात, उसके बाद प्रखंड स्तर पर कैंटीन का प्रावधान करूंगा, निःशुल्क सुविधा भोजन का प्रबंध एक टाइम का। उसके बाद उसके कैंटीन के प्रबंध ऑफिस बगल में एक ऑफिस निर्माण करूंगा जिसमें जितने गरीब दलित परिवार हैं चाहे कोई भी चला जाए, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी और मेरे कर्तव्य बनता है उनका सेवा करे, मेरा मानवता है, उनको इंदिरा आवास, मनरेगा, शौचालय, PCC, नाला और उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जितना भी सरकारी योजना है, जितना ही कार्ड बनता है, वो सब का सब गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क दूंगा मैं।
वहाँ पे रघुनाथ विधानसभा से आप किस पार्टी से दावेदारी करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ तक पता होगा आप लोगों को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सिपाही की तरह कार्य करता था और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का पूरा ये मतलब उनका प्यार था और स्नेह था अपने देश के प्रति, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लिया, लेकिन जो अपने बिहार में बीजेपी है वो अपराधीकरण हो चुका है, विकास नहीं हुआ। मतलब माना जाए कि बीजेपी का सिपाही बीजेपी के सिपाही से इस बार लड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा आप बताइए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारा सबसे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है किसी अपराधी अच्छा भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देना, उसके बाद अगर पार्टी ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट देता है उसका जनता बहिष्कार करे, अपना वोट बर्बाद नहीं करे, उस वोट का कीमत समझे, चुनाव के समय आके हाथ जोड़े ला लो, पैर पे गिरता लो आ कह तो लो वोट दलो नु तो घर है कह दे तो हाउ कह दे आ फिर पाँच साल बॉर्डर में का कोनो पंचायत पे नहीं खेलो कतलो, ओकरा बाद से अपन जितना अधिकार से लोग वंचित रहता ये ठीक बात नहीं है नु। आखिर रघुनाथपुर विधानसभा है क्यों? मेरा जन्मभूमि है और यहीं से अपने परिवार से रघुनाथपुर विधानसभा का हर घर मेरा अपना परिवार है, और जात पात धर्म से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करनी है और समाज को बदलाव में लाना है। जो भी कैंडिडेट वहां से लड़ रहा है, मानिए हरिशंकर यादव पाँच साल विधायक रहे हैं, मेरे पंचायत की स्थिति घूम के आप देख ले, कोई विकास नहीं, अभी चुनाव समीप आया है तो 15 लाख का आप ठीका नाले का निर्माण कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बहुत लोगों का नाम आ रहा है, पार्टी क्लियर करे किसको टिकट देगा, मुझे उम्मीद है अगर युवा बेहतर है तो उसको टिकट देंगे, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तो लड़ना ही लड़ना है। मानिए जिला पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को टिकट मिल रहा है और उनका क्या है, वो दलबदलू आदमी है, कभी जदयू में गए, कभी आरजेडी में गए, कभी बीजेपी में गए, क्या ऐसे ही पार्टी में क्या कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के लिए आरजेडी के लिए जदयू के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्होंने जीवन भर अपने पार्टी के लिए दिया, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनको टिकट मिल रहा है जिसके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन है, आज पॉलिटिकल लोग को सेवा नहीं करके बिजनेस बना कर रखे हैं, लोगों को लूट मचा कर रखे हुए हैं। आप अगर विधायक बन जाते जी किस पार्टी को ज्वाइन करिएगा? पार्टी को नहीं, मैं विधायक रहूंगा, जो मेरा कार्य होगा उससे बेहतर करूंगा और बेहतर विकास करके दिखाऊंगा। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सअप करें आराध्या चित्रकला पर।